गुरु महाराज जी का एक एक शब्द, एक एक वचन शास्त्रों से, वेदों से, ग्रंथों से कहीं पढ़कर है। उनका एक एक वचन हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। लेकिन मेरे मालिक, मेरे दाता, कमी हम में है। हम प्रत्यक्ष मौज को स्वीकार नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में त्रुटियां हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जिस कल्याणार्थ आपने वो वचन हमारे लिए फरमाया था उस तरीके से हम उस चीज को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इस मन को, इस भाव को आपने बखूबी समझा और प्रत्येक बड़े सत्संग की भांति इस सत्संग पर भी हुजूर महाराज जी की अनमोल सत्संग वाणी से संकलित संग्रहित पुस्तक मानोगे तो ही ना, जो गुरु महाराज जी ने आप सत्संग में फरमाया, उस पुस्तक, इस पुस्तक के माध्यम से उनका वचन पूर्णतः चरितार्थ होता है। इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित कर सकते हैं, गुरु के वचनों के और ज्यादा करीब अपने आप को पा सकते हैं और किस प्रकार हम गुरु वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करके अपना कल्याण कर सकते हैं। वैसे तो हुजूर महाराज जी का सत्संग प्रत्यक्ष रूप से हमें मिलता है, लेकिन ये पुस्तक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कभी भी उनके वचनों को मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। आज के इस मुबारक मौके पर भी हुजूर महाराज जी की मौत से नई पुस्तक जिसका शीर्षक है मानोगे तो ही ना, मानोगे तो ही ना, ये पुस्तक आज हुजूर महाराज जी साध संगत के समक्ष, सेवादारों के समक्ष इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। लेकिन उससे पहले हुजूर महाराज जी के इन वचनों को जिस बहन ने संकलित किया, जिस बहन का यह सार्थक प्रयास रहा, बहन निर्मला, मैं उसको गुरु महाराज जी के चरणों में आमंत्रित करता हूं कि वो पुस्तक के बारे में दो शब्द सेवादार भाई बहनों के समक्ष, साध संगत के समक्ष प्रकट करें, ताकि इस पुस्तक के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में हम और ज्यादा जान सके। बहन निर्मल। राधा स्वामी, राधा स्वामी भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर सत्संग में अपनी एक महाराजियों के सत्संग पे आधारित महाराजियों की दया मेल से एक पुस्तक तैयार की जाती है। इस बार भी महाराजियों की अथक प्रयास से मेहनत महाराजियों की लगी हुई है। इसमें अपनी पुस्तक का नाम है मानोगे तो ही ना। आज संसार में हम देखते हैं बहुत सारे धर्म हैं, पंथ हैं, मजहब हैं, बहुत धर्म गुरु हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, समाज सुधारक हैं, सभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सभी बुराइयों को त्याग के सत्पथ पर चलने का प्रचार करते हैं, लोगों की आस्था भी बहुत है। इसीलिए जहाँ कहीं देखो, मंदिरों में देखो, तीर्थ स्थानों पर देखो, सत्संगों में देखो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, सब में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसका मतलब लोगों की आस्था तो है, परंतु अगर लोगों का जीवन देखें, हम अपने समाज का ढांचा देखें, तो उसमें बुराइयां और अधिक बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो उपदेश गुरु हमें देते हैं, हम उनको मानते नहीं हैं। अगर मानते होते तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया होता, सुधार आया होता, सकारात्मक परिवर्तन आया होता। इसलिए इस बुक का संकलन किया गया है मानोगे तो ही ना। वैसे भी देखिए, हम कहते हैं कि हमने गुरु धारण कर रखा है, हम गुरु को मानते हैं, परंतु गुरु को धारण कहाँ किया? गुरु ज्ञान है, गुरु ध्यान है, गुरु पूजा है, गुरु पूज्य है, गुरु मार्गदर्शक है और गुरु ही मंजिल है। तो उस मंजिल को कैसे पाएंगे जब गुरु के वचनों को नहीं मानेंगे? तो
तो मानेंगे तो ही पाएंगे, फायदा तभी होगा। इसीलिए बुक का नाम भी महाराजियों ने बड़े ही अपीलिंग जो कहें इसको, वो इसका टाइटल दिया है, इसका शीर्षक जो है वही, हमारे जीवन का उद्देश्य भी वही है, मानोगे तो ही ना। वैसे भी हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमें जो है इसमें साधन अभ्यास में प्रकाश दिखाई नहीं देता, इस तरह का जो है हमारी उन्नति नहीं होती। तो कहा भी जाता है कि जब तक देखो ना अपने नैना, कभू ना मानो गुरु के बहना। परंतु दोनों ही बातें हैं, पहले मानना होगा, मानेंगे तो देख लेंगे, और देख लेंगे तो फिर गुरु वचन पे विश्वास भी आ जाएगा, फिर हमें गुरु खुदा दिखाई देगा। इसलिए संत मत के अगर सिद्धांतों को ही लें तो भारी तौर पे कितने फायदे हैं उनके, कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठता है, समाज में भी एक नई दिशा आती है, नई सामाजिक हमारा संरचना जो है वो सुदृढ़ होती है, आपसी मेलजोल की भावना बनती है, बुराइयों से बचते हैं तो हमारा शारीरिक मानसिक हर तरह से दुरुस्त रहते हैं हम। तो इतने सारे जब बाहरी इसके फायदे हैं, और कुछ नहीं, अगर मुक्ति ना भी मिलती हो, ना भी मिले तो भी देखिए आप कि हमें समाज में एक अच्छा सलीका तो देते हैं। तो गुरु के वचनों को का अगर पूर्ण तरह से पालन किया जाए तो जो जन्म जन्मांतरों से हम इस संसार में भटक रहे हैं, इतने दुख भोग रहे हैं, हम तो बहुत भागी जीव हैं कि हमें पूर्ण संत सतगुरु की शरण मिली और इतनी सहज में मिल गई, और फिर वो हर पल हम सोते हैं वो जागते रहते हैं, महाराजियों का इतना बिजी शेड्यूल है उसमें भी वो हर अपने 2-3 महीने में ये सालाना सत्संग होता ही रहता है, उसमें एक पुस्तक तैयार करते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुधार के लिए। अगर हम सुधरेंगे तो उसका लाभ है। इसीलिए पुस्तक का नाम है मानोगे तो ही ना। आप सभी से अनुरोध है कि इस पुस्तक को लें, इसका चिंतन मनन करें, अपनाएं, तब फायदा है। राधा मालिक अवतार परम संत ताराचंद जी महाराज जी का अवतरण दिवस हम गुरु के सानिध्य में मना रहे हैं, और इस सत्संग इस मुबारक मौके के अवसर पर बड़े महाराज जी का नया स्वरूप साध संगत के लिए जारी किया जा रहा है। बुजुर्ग महाराज जी साध संगत के लिए, बड़े महाराज जी का यह आकर्षक स्वरूप साध संगत के लिए इसका विमोचन कर रहे हैं। इसके बाद आश्रम परिसर में दी जाने वाली स्टाफ सेवा पर ये स्वरूप 4 अलग अलग साइजों में साध संगत के लिए उपलब्ध होगा। इसके बाद मैं भाई राजीव जी से अनुरोध करता हूँ कि जिस पुस्तक के ऊपर बहन निर्मला ने प्रकाश डाला मानोगे तो ही ना, इस पुस्तक का विमोचन हुजूर महाराज जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। ये पुस्तक भी आश्रम परिसर में दी जाने वाली स्टाफ सेवा पर इसके बाद साध संगत के लिए उपलब्ध होगी। पुस्तक आपके सामने हुजूर महाराज जी विमोचित कर रहे हैं, मानोगे तो ही ना, मानोगे तो ही ना, इस पुस्तक का एक शीर्षक है। हुजूर महाराज जी ने साध संगत के लिए इस पुस्तक का विमोचन किया। तत्पश्चात बड़े महाराज जी के अवतरण दिवस के मौके पर इस माह की पत्रिका जो हमारी मासिक पत्रिका संत संदेश है, ये बड़े महाराज जी के अवतरण दिवस विशेषांक के रूप में साध संगत को समर्पित की जा रही है। ये पत्रिका भी आपके घर तक जो आपका अपने एड्रेस दे रखा है उस पर पहुंच जाएगी, लेकिन इससे पहले सालों से ये पत्रिका उपलब्ध है, भाई बहन इस पत्रिका का आनंद उठा सकते हैं। तत्पश्चात 4 अलग SD कार्ड जो मोबाइल फोन में हम जो मेमोरी कार्ड जिसको प्ले कर सकते हैं, बजा सकते हैं, 4 अलग अलग रूपों में ये 4 SD मेमोरी कार्ड साध संगत के लिए विमोचित कर रहे हैं हुजूर महाराज जी। इन SD कार्ड्स में आप बड़े महाराज जी के 5 से अधिक सत्संगों का एक साथ लाभ उठा सकते हैं। दूसरे मेमोरी कार्ड में हुजूर महाराज जी के सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं। तीसरे मेमोरी कार्ड में आप शब्दवाणी का लाभ उठा सकते हैं। 4 मेमोरी कार्ड साध संगत के लिए हुजूर महाराज जी ने, ये सभी मेमोरी कार्ड 8GB साइज में उपलब्ध हैं, जो आपके किसी भी मोबाइल फोन के किसी भी फॉर्मेट पे सपोर्ट करते हैं, किसी भी आप मोबाइल फोन पर इसको बजा सकते हैं। अलग अलग 4 SD कार्ड हुजूर महाराज जी ने विमोचित किए साध संगत के लिए। राधा स्वामी। ये जो
कदर से भिखारी ओ सतगुरु मैं थारा दर से भिखारी मैं थारा दर से भिखारी ओ दाता मैं थारा दर से भिखारी थारा दर से भिखारी ओ सतगुरु मैं थारा दर से भिखारी ओ गण चूक बहुत है मुझ में बंधन संसारी ओ गण चूक बहुत है मुझ में बंधन संसारी नाव हमारी पार लगा दो इसमें लोहा भारी नाव हमारी पार लगा दो इसमें लोहा भारी मैं थारा दर से भिखारी ओ सतगुरु मैं थारा दर से भिखारी थारा दर से भिखारी ओ दाता मैं थारा दर से भिखारी शिव बंदगी मैं ना जानू क्या है शिव तुम्हारी शिव बंदगी मैं ना जानू क्या है शिव तुम्हारी काम क्रोध के बस लिपटाना लोभी और लबारी काम क्रोध के बस लिपटाना लोभी और लबारी मैं थारा दर से भिखारी ओ सतगुरु मैं थारा दर से भिखारी थारा दर से भिखारी ओ दाता मैं थारा दर से भिखारी तुम्हारे दरस से क्लेश मिटत है होती खुशी अपारी तुम्हारे दरस से क्लेश मिटत है होती खुशी अपारी योग साधना तीर्थ व्रत है सभी आपकी लारी योग साधना तीर्थ व्रत है सभी आपकी लारी मैं थारा दर से भिखारी ओ सतगुरु मैं थारा दर से भिखारी थारा दर से भिखारी ओ दाता मैं थारा दर से भिखारी
देव मैं ना पूजूं ना कोई आरत उतारी देवी देव मैं ना पूजूं ना कोई आरत उतारी तुम्हारा दर छोड़ का मैं जाऊं मैं कोता दरबारी तुम्हारा दर छोड़ का मैं जाऊं मैं कोता दरबारी मैं थारा दर से भिखारी ओ सतगुरु थारा दर से भिखारी मैं थारा दर से भिखारी ओ दाता मैं थारा दर से भिखारी पुरस तुम पूर्ण धनी हो संत रूप अवतारी परम पुरस तुम पूर्ण धनी हो संत रूप अवतारी कदर आपकी कोई बिरला जान राम नाम व्योपारी कदर आपकी कोई बिरला जान राम नाम व्योपारी मैं थारा दर से भिखारी ओ सतगुरु मैं थारा दर से भिखारी थारा दर से भिखारी ओ दाता मैं थारा दर से भिखारी दास कंवर की अर्ज सुनो गुरु कहता जोर पुकारी दास कंवर की अर्ज सुनो गुरु कहता जोर पुकारी सतगुरु तारा चंद जी पार लगा दो हम फंसे बीच मझधारी सतगुरु तारा चंद जी पार लगा दो हम फंसे बीच मझधारी मैं थारा दर से भिखारी ओ सतगुरु मैं थारा दर से भिखारी मैं थारा दर से भिखारी ओ दाता मैं थारा दर से भिखारी मैं थारा दर से भिखारी ओ सतगुरु मैं थारा दर से भिखारी सतगुरु दर्शन कर लो साधो सतगुरु दर्शन कर लो सिर साटे जो सतगुरु मिल जा सिर साटे जो सतगुरु मिल जा तो भी जानो सरलो
साधो सतगुरु दर्शन कर लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। लाड प्यार जो कर तुमसे, लाड प्यार जो कर तुमसे, आनंद कोठा भर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, सिर साटे जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सरलो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। जब तक इनसे प्रेम नहीं है, जब तक इनसे प्रेम नहीं है, कैसे डर से उड़ लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सरलो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। नाम दान हमने उनसे पाया, मिटा काल का डर लो। नाम दान हमने उनसे पाया, मिटा काल का डर लो। काल जाल से तभी बचोगे, काल जाल से तभी बचोगे, मरने से पहले मर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सरलो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सतगुरु तारा चंद के समझ कवर हमें, ज्ञान बतावा दूर लो। सतगुरु तारा चंद के समझ कवर हमें, ज्ञान बतावा दूर लो। सूरत शब्द का साधन करके, सूरत शब्द का साधन करके, भव सागर से तिर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सरलो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। हम शरण तुम्हारे आए, सतगुरु दो मुख थे संसार।
द्वार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। तुम दो मुक्ति संसार से हम शरण तुम्हारी आए। हे सतगुरु दो मुक्ति संसार से। हम कर्म भरम में भटके पूजा तीर्थ व्रत में अटके। हम कर्म भरम में भटके पूजा तीर्थ व्रत में अटके। लगे काल के बारी झटके बता लो सम की मार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। तुम दो मुक्ति संसार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। तुम धाम अनामी से आए और हुकम हजूरी लाए। तुम धाम अनामी से आए और हुकम हजूरी लाए। सब जीव देख हर साए पड़े थे बीमार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। जो मुक्ति संसार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। दुखियों के आप सहारा करते हो सबकी समारा। दुखियों के आप सहारा करते हो सबकी समारा। महिमा है अपरम पारा कई जाते नमुख हमार से शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। तुम दो मुक्ति संसार से हम शरण तुम्हारी आए। सतगुरु दो मुक्ति संसार से। जिन्होंने अपने मोबाइल से अपनी फ्लाइट मोड में या बंद नहीं किए हैं उनसे भी
सत्संग पालन होने से पूर्व आप अपने मोबाइल सेट को लाइट मोड या एक बार सत्संग के लिए ऑफ कर दें। जो सत्संग बाहर हो रही है, जिन्होंने पंजाब में सत्संग सत्कार के लिए नहीं किया है, सभी सत्संग के कर्मचारियों से निवेदन है कि वो तुरंत पंजाब में आकर सत्संग ग्रहण कर लें। अधूरा की नस्ल के बीच जो सत्संग इधर उधर हो रही है, राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी प्रेमी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, सबसे विनती है शांति से बैठ के जितनी देर सत्संग होता है सत्संग सुने। आप सबको पता है कि ये शुभ दिन हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष में हर साल भंडारा होता है। महापुरुषों के आगमन का दिन बहुत महान दिन होता है। ऐसे परम संत के अगर किसी को दर्शन मिल जाते हैं तो है, उनके हाथ से प्रसाद मिल जाता है, तो उस जीव को कोई करनी करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनका कल्याण उसी से हो जाता है। ये सपना हजूर ने देखा था कि बड़े आश्रमों का निर्माण हो, संगत की बड़ी से बढ़िया टोलियां चल चल के आएं, गांव-गांव में सत्संग फैले, लोगों की बुरी आदत, बुरे विचार और जो बुराइयां कुरीतियां समाज में फैली हों वो दूर हों, घरों में प्यार प्रेम का माहौल हो, माँ बाप बुजुर्ग की इज्जत और कदर हो, और इन्हीं बातों को मुख्य रखते हुए अपने जीवन पर्यंत उन्होंने समाज के कल्याण के लिए जीव को इस संसार से मुक्त कराने के लिए और जन्म मरण से निजात दिलाने के लिए सत्संग का कार्य प्रारंभ किया किया नहीं, जबाने मुबारक से फरमाया नहीं, बल्कि जिस चीज़ का उपदेश किया अपने जीवन में स्वयं मान के और सत्संगियों को या दूसरे देखने वाले लोगों को ये दिखा के करवाने का प्रयास किया कि हर काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि जिस बात को कहते थे उसको प्रमाण के साथ समझाते और बताते भी थे, और उन बातों के साथ साथ जो उन्होंने करनी करने का सीधा सुगम और ऐसा आसान तरीका जीवों को समझाया बताया जिसको हर जीव कर सकता था। वैसे तो हमारा मत, राधा स्वामी मत, जिसमें सूरज शब्द के योग पर बल दिया जाता है, यह है भी ऐसा कि जिसको 8 साल का बच्चा भी कर सकता है और 60 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से समझाया था, अगर वो कहते थे कि अपना
کما کے جو انسان نہیں کھاتا ہے دوسرے پر وزن بن جاتا ہے، یا کسی سے کسی بھی پرکار سے کوئی چیز لے کے اپنے تن کے کاج اپنی ضرورت کے لیے وہ اس کا پریوگ کرتا ہے تو وہ بھی اس کا قرضدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے زندگی میں اگر کسی کے گھر دو روٹی بھی کھائی، کسی کے گھر مجبوراً جانا بھی پڑا، تو بھی ان کو یہ بات پرمانت کر کے دکھائی۔ ان سے پہلے کہتے تھے کہ روٹی آپ کے گھر ضرور کھاؤں گا، لیکن دو روٹی کا پہلے آپ میرے سے کام کرو۔ کہتے تھے کہ کیوں، ایسی کیا بات ہے کہ بولا کہ ایسے تو میں کبھی کھاتا نہیں ہوں۔